ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हियरिंग हुआ था और आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं, दो मुद्दे थे। चीफ जस्टिस ने सुना उन मुद्दों को, मतलब दो मुद्दे ना थे, सारे मुद्दे थे और मेरी बात में दो मुद्दे हैं। चीफ जस्टिस ने सुना है सभी बातों को और इस केस के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ऐश्वर्या भाटी अपियर हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी तमाम जैक ब्रांच के जो लोग थे वो लोग आए थे और इसमें उनको 4 हफ्ते का समय दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तो 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन जस साहब ने उनको 4 हफ्ते का वक्त दिया, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है मेरे लिए, क्योंकि 1 हफ्ते में रिप्लाई दाखिल होता और चीजें आगे बढ़ती, लेकिन अभी 4 हफ्ते का इसमें वक्त है रिप्लाई दाखिल करने के लिए। दूसरा, जब स्टे की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि रिप्लाई दाखिल करने दीजिए, इफ यू सक्सीड हम स्टे भी लगा देंगे। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। धीरज धरिए और कोर्ट में विश्वास रखिए। आप लोगों के संग न्याय होगा। जय हिंद।